देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगा। पुलवामा के वीर शहीदों तुम्हें प्रणाम मैं करता हूं, भारत माँ के रक्त लाल बेटों को सलाम मैं करता हूं। हमें ग्लानी है कि कैसे ये सब हो गया। पड़ोसी मुल्क का एक तटपुंजा कैसे हमारी भावनाओं को रौंद गया। हिम्मत नहीं है उनमें इतनी कि सामने से आकर वार करे। हर बार उन्होंने हमारी पीठ पे ही तो प्रहार करे। 2,500 जवानों का काफिला जब था गुजर रहा, वहीं पास खड़े आतंकी का सीना बड़ा अकड़ रहा। अकड़े भी क्यों नहीं, बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे वो। 300 किलो आरडीएक्स साथ लाए थे तो। बेहतर हूरों के लालच में निर्दोषों को उड़ा दिया। जन्नत जाने की चाहत में जहन्नुम में खुद को पहुंचा दिया। 42 परिवारों की आह का होगा ये असर कि मरने के बाद भी उनको तड़पाने में हम नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। कान खोल कर सुन ले पाक, हर बार की है तूने हरकत ना पाक। खून हमारा खोल उठा है, हर भारतीय का दिल बोल उठा है कि अब की बार तेरे घर आएंगे हम और आतंकवादियों की लाशें वहीं सजाएंगे हम। कितनी भी तैयारी तू कर ले, चाहे हथियारों से अपना घर बन ले, पर अपनी हिम्मत से तुझको हराएंगे हम। और इस बार दिल्ली के साथ लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे हम, लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे हम। हर बार विश्वास के बदले हमने घात ही तो पाया, भारत के दोस्ती के बड़े हुए हाथ के बदले हमने पीठ में खंजर पाया। अटल जी ने जब की थी शांति की बस की शुरुआत, तुमने कर दिया उसके साथ कैसा भद्दा मजाक। युद्ध का बिगुल तुमने बजाया, कारगिल के युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद भी तुमको चैन न आया। मुशरफ खुद चलकर आगरा शिखर वार्ता करने आया, पर शांति की आड़ में तुमने हमारे पवित्र संसद पर हमला कराया। वो तो हमारे वीर सैनिक मुस्तैद थे, वरना अफजल गुरु जैसे गद्दार हमारे यहां भी अनेक थे। कितने धोखे गिनाए तुम्हें, हर एक धोखा नया है। याद करो और सोचो 2008 का मुंबई हमला कितना बड़ा है। जब सब कुछ भूल कर हमने की एक नई शुरुआत, फिर भी अपनी हरकतों से ना आए तुम बाज। उरी में सोते हुए परिवारों पर तुमने हमला करवाया, पर इस बार मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना दिखलाया। सर्जिकल स्ट्राइक से दिया तुम्हें जवाब, तुम्हारी ही धरती पर जाकर आतंकवादियों से पूरा किया अपना हिसाब। पर उस बार हमने तुम्हारी आर्मी को ना छेड़ा था, क्योंकि हमें उस समय सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों से अपना बदला लेना था। पर अब कर दी तुमने हर एक हद पार, धोखे से फिर किया हमारी पीठ पर वार। लोन वुल्फ अटैक से तुमने जिन 42 शेरों को मारा है, उनके खून की एक एक बूंद का बदला लेने को आतुर देश हमारा है। तुम्हारी इस कायराना हरकत ने बस काम एक नेक किया कि धर्म और जात पात के बंधन को भुलाकर पूरे भारतीयों को एक किया। अब तो बस उठती यही पुकार, बदला चाहिए हमें जोरदार। वीरांगनाएं भी बोल उठी, अपनी चूड़ी तोड़ उठी। पोत चुका माथे का सिंदूर, फिर भी है आंखों में शहादत का गुरूर। माँ का लाल मिट चुका, अपनी शहादत लिख चुका, फिर भी ना घबराई वो। हाथे में बंदूक उठाए वो, चल पड़ी उस डगर पर। शहीदों की माएं चले जिस सफर पर। अब बस बहुत हो चुका, अब तक हमने बहुत सहा। अब ये धर्मेंद्र सिंह बोलता है और अपना मुंह खोलता है। एक के बदले 100 सर लाएंगे हम, दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाएंगे हम। चाहे ले तो चीन का साथ, पर कर देंगे हम तुझको बर्बाद। कसम शहादत की ये खाते हैं, माँ को अपना शीश नवाते हैं। कसम शहादत की हम ये खाते हैं, भारत माँ को अपना शीश नवाते हैं। इस बार फिर तुझको हराएंगे और दिल्ली के साथ हम लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे हम,
लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद।